फिर सब उस्मान की पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम हमारे कॉलेज के मिलते हैं और फाइनली हमारे तो रास्ते में खाने के लिए करके चंडीगढ़ पहुंचते हैं। चंडीगढ़ घूमने के बाद वापस चंडीगढ़ में मनाली का सफर कंटिन्यू करना चाहता है। आज की इस ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे कि हमारा मनाली का जो फाइनली सफर शुरू हुआ है उसके आगे के सफर के बारे में आपको बताएं। देखते रहिए हमारे साथ फिर सब उस्मान की ब्लॉग को जो की है पहाड़ों की। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे बेस कैंप पे। आप देख सकते हैं ऊपर ये बर्फ के पहाड़ हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफिंग होगी हमारे गाइडों के साथ, फिर होगा ब्रेकफास्ट वगैरह और साथ ही मैं आपको आगे की अपडेट देता रहूँगा। एक वो ट्रैक कर सकते हो तो उससे दो फायदे, एक तो आपको वो वाटरफॉल देखने को मिलेगा, दूसरा बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी आप, थोड़ा और हाइट पे जाएंगे आप। तो अब हो रहा हमारा कैंप डिसाइड और जैसा कि आपने देखा मेरे पीछे है पूरे पहाड़ ही पहाड़ बर्फ से रखे हुए। तो यह हमारे तीन स्क्वाड मेंबर्स हैं, स्क्वाड मेंबर्स और रूममेट ज़्यादा है। पीछे जो बैक साइड वाला एरिया था वो था गर्ल्स का और हमें दिया दूसरा एरिया, ये है बॉयज का। ये हमारा दुखी दोस्त, क्या नाम था उसका, शमन खड़ा हुआ है। ये है शमन, चले उस्ताद जब तक चुपड़ा शमशेर आ। ये है बॉयज के टेंट और ये चार चार शेयरिंग वाले, चले जाओ ये चार चार शेयरिंग है तीन ही। तो हम लोगों के साथ होगा गुड लक। गर्ल्स सेक्शन में हमें मिल गया टेंट और सामने है पहाड़। अब व्यू आप देख ही सकते हैं, इतना प्यारा व्यू है, डायरेक्ट यहाँ से पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं सारे। और हमें कल जाना है उधर पे या उधर। हाँ, पे वो सामने जो आपको दिख रही है मेरी उंगली से आप देखो, उसके भी आगे जाना है। ये तो सिर्फ बॉटम है ब्यासकुंड ट्रैक का, उसके भी आगे जाना है। एक नई बात पता चली है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है ब्रश करना चाहिए। ये हमारे अफशान भाई ने बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दांतों में, डॉक्टर से पता करिएगा, अभी इनको कुछ पता नहीं है यार। नई नई चीजें पता चलती हैं, ऐसे रहते रहना चाहिए दोस्तों के साथ, इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग वापस से रेडी हो गए और रेडी होके अब तैयार होकर जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रैक करने के लिए। मैं अरीफ भाई अफशान भाई और बाकी पूरे कुत्ते तैयार हो चुके हैं। गर्मी हो रही है, भले नज़ारा अच्छा है लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए हम लोगों ने सनसेट का पूरा भरपूर इस्तेमाल करा। ये हम लोगों का और तो भयंकर वाला फोटोशूट हो गया कंप्लीट, क्योंकि व्यू आ रहा था बहुत अच्छा। अब हम लोगों को जाना है ट्रैकिंग के लिए, सब लोग निकल चुके हैं वहाँ पे। तो मैं भी इन लोगों से बोल रहा हूँ आ जाओ भाई। जहाँ जो एकदम स्टीप डाउन है काइंड ऑफ फन, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस भी, अगर आपका पेयर स्लिप हुआ तो डायरेक्ट नीचे दुर्घटना घट जाएगी। अरे यार दीदियों ने गेम खराब करवा दिया यार। चलो बाकी के निकलो, तेज निकलो। थोड़ा सा ये क्या है दुर्घटना, दुर्घटना घटित यहाँ से हम एकदम तेज उतरियो सारे। चलो सारे लड़के से जाइए ये मेले करेंगे। चलो प्यार से करो, भाई तो बिना टेंशन के जाए जा रहा है। अरे 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 अमिताभ बच्चन हो जाएगा। अरे भाई कुल नहीं बनना आराम से। अरे समझ नहीं रहा इनसे, फिर उतार हो जाएगा ये बस। रातों को दिक्कत आ गई है, जरा देखें आप लाइव कवरेज। फिलहाल तो सिर्फ एक स्टीप आया था, बाकी अभी तक सिर्फ रोड ही रोड पे चल रहे हैं। कितने के हमारे भाई को चश्मा पहनूंगा, फिर भी चश्मा पसंद आ गया है। तो ढालो डाल रहे थे लेकिन अब जो स्टीप आया है इसमें सबके हक्के बक्के हो जाएंगे, अब आएगा मजा। दिस इज व्हाट वी कॉल अमिताभ बच्चन। अभी सिर्फ मात्र 100 मीटर चढ़े हैं और हमारे जो साथी हैं वो बेचारे कोई भी नहीं थके, हाँपने लगे भाई, खुद ही थके। अरे उस्मान भाई दौड़ लगा के चले जाएंगे ऊपर अभी।
जाइए दौड़ ला के जाइए सब हाँ रहा है नहीं भाई सब नहीं हाँ रहा है आप हाँ रहा है हम नहीं हाँ रहा है कुछ भी ये हाँ रहा है और कह रहे थे दूसरों पर बहाना मार रहे थे ये पे आके जाम हो गए थे इसलिए एक वाटर ब्रेक के लिए रुके थे हम हमारे साथी। पब्लिक भी धीरे धीरे आ जा रही है और काफ़ी सुकून का माहौल है यहाँ पे, धूप नहीं है इसलिए एनर्जी मिल रही है। और इसी के साथ हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं, हालांकि थक नहीं रहे हम लोग, मतलब तो बिना वार्म अप के एकदम से शुरू करा तो सांस तो फूलेगी। ओहो हो खतरनाक ट्रेल है ये तो। बड़ा कहाँ आ गया यार, गुड्डों की सांस फूल रही है, थके नहीं लेकिन ऐसा कहना ये काइंड ऑफ सेल्फ मोटिवेशन है खुद के लिए। टेरेन अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब क्या है थोड़ा फॉरेस्टी टाइप इलाका आ गया है। ये है गर्दन घाट, अब थोड़ा क्या खुला इलाका आ गया है। अभी तक क्या पेड़ पौधों के बीच में ही चल रहे थे, बट क्या है ये बहुत स्टीप है, एक गलत कदम और आपकी और जान गई। ये रहा वाटरफॉल, इसका नाम क्या है, अरे वाटरफॉल का आई गेस जोंगरी वाटरफॉल है ये। काफी तवील सफर तय कर आए हम यहाँ पे। जैसे जैसे फॉल करीब आता जा रहा है वैसे वैसे ट्रैक और डिफिकल्ट होता जा रहा है। थैंक यू सो मच। एनीवे ये हमारे गुड्डे खड़े हुए दिख गए आपको, हेल्पर बन गए, ये तो हेल्प कर रहा है। वाह यार बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। लेकिन वाटरफॉल का नज़ारा आप देख सकते हो, दिखाओ यार वाटरफॉल देखना है तो आप ये देखिए मेरा पीछे आएगा। वाटरफॉल का डायरेक्ट पानी हमारे मुंह पर पड़ रहा है, मेरा जस्ट पीछे है वाटरफॉल, बहुत शानदार पानी आ रहा है ऊपर से। हो गया हमारे फोटो खिंचवाने के लिए दोनों भाइयों में, अफशान भाई खड़े हो गए फोटो खींचने के लिए, इनका मैं फोटो खींच देता हूँ। अफशान भाई पोज दीजिए, आप कैसा भी दीजिए फोटो तो एक ही जैसा आएगा, पानी पड़ रहा है पूरा हमारे फेस पे। वीडियो भी बना देंगे भाई, फोटो खींच रहा है अभी तो, आप देखिए ऐसा करिए। यार वाटरफॉल के पास टोटल उमंग उल्लास का माहौल है, ऐसा खतरनाक पानी आ रहा है, सबको गीला कर दिया है और सबके फोटो हो रहे हैं लपक के। सबकी फोटो की प्रोसेस वगैरह सब कुछ हो चुका है कम्प्लीट, अब वापस यहीं से जाना है बैक हम लोगों को। सबका अच्छे से मुंह धुल चुका, पूरे कपड़े गीले हो चुके, फोन भी गीला हो चुका और जाना सब यहाँ से अब वापस। ग्रुप फोटो हो रहा है तो ग्रुप फोटो में चलते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो बड़ी मशक्कतों के साथ उतार रही है दीदी, मैं इसको ऑन करके ही उतरूंगा। अबे यहाँ की सब्जी नहीं बचता नहीं। और पूरी पहाड़ी चढ़ के उतर कर आ गए हैं, अभी जा रहे हैं हम वापस बेस कैंप में, वहाँ पे होगा लंच, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या प्लान बनता है, कहीं गए नहीं तो फिर हम लोग मॉल रोड जाएंगे। आप लोकेशन देखिए कितनी शानदार लोकेशन पे हम लोगों का लंच हो रहा है, ये लंच हो रहा है और साइड में व्यू है बिल्कुल, पानी बहता हुआ हर तरफ, पानी ही पानी हर तरफ, बस पानी ही पानी। रेडी होके मॉल रोड के लिए बस में भर भर के हमारे दोस्त जो हैं आगे बैठे हुए हम लोग ड्राइवर साहब के साथ, आपसे मिलते हैं अब सीधा मॉल रोड पे। हम लोग मॉल रोड आए थे, आइसक्रीम खाई थी लेकिन फिर हम लोग का प्लान चेंज हुआ, हम लोगों ने सोचा कि हिडम्बा टेम्पल चले जाते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिडम्बा टेम्पल। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमको सजेशन दिया था कि हिडम्बा टेम्पल चलते हैं, उनकी बात मान के आ गए लेकिन अब चढ़ नहीं पा रहा है और अब पछता रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे इतना ऊपर है। मोमेंट ऑफ विक्ट्री, हम दोनों हम तीनों ऊपर आके खड़े हो गए हिडम्बा पे,
खरगोश है, खरगोश है, बकरी है, भेड़ का बच्चा है, उधर यह खड़ा हुआ था जिसका फोटो खींचने नहीं दिया हमें। आइए चलिए ऊपर चलते हैं। अपनी ऐसी तैसी करा के इतनी मुश्किल से चढ़े थे हम ऊपर, और 5 मिनट रुक के वापस ऐसी तैसी करा के हम नीचे उतर रहे हैं अपनी। यहाँ पे आए गुड्डे थोड़ा सा बाल कटवाने के लिए, तो अब यहाँ पे कटेंगे बाल। आज हम लोगों की किस्मत ही ख़राब है, पहले हडिम्बा चढ़े ट्रेकिंग करी, वापसी में हम लोगों को रिक्शा ही नहीं मिला, तो अब ठीक है मॉल रोड से कैंप जा रहे हैं 5 किलोमीटर दूर पैदल चलते हुए है। भाई आप देख सकते हैं ऑटो नहीं मिला तो हम लोग बैठ गए ट्रैक्टर में आके। ट्रैक्टर से जा रहे कैंप में। भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना लंबा सफर तय करा दिया हमें ट्रैक्टर से, हम सब भाइयों के बहुत बहुत दुआएं इनके साथ हैं। हम लोग को ऑटो नहीं मिला तो हमने क्या करा, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर नई टैक्सी। तो फाइनली डिनर वगैरह करके आ गए हम बॉनफायर पे अपने गुड्डों के साथ, थोड़ी देर के लिए करेंगे वाइब और फिर जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह है मेन ट्रैक और कल सुबह निकलना है जल्दी 5 बजे। तो आपसे मिलते हैं कल, जब तक के लिए टाटा।